नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, आज आपके साथ बात करने के लिए हम इसलिए आए हैं क्योंकि आपको ये जानकारी देना चाहते हैं। दोस्तों, 2 तारीख को क्रमिक अनशन शुरू होने वाला है, यानी जब तक GDS रिपोर्ट लागू नहीं हो जाता तब तक नहीं उठेंगे। ये कौन सी यूनियन है दोस्तों, इसके बारे में आपको बता दें, भारतीय एक्स्ट्रा डिपार्टमेंटल एम्प्लॉयज़ की यूनियन है और जो एफिलेटेड है भारतीय मजदूर संघ। दोस्तों, इसके बारे में आपको पता ही होगा, भारतीय मजदूर संघ देश की सबसे बड़ी यूनियन में से एक है जो सारे कर्मचारी के हित में बात करती है। तो दोस्तों, आपको बताना चाहेंगे 2 तारीख को पार्लियामेंट के सामने यहाँ पे हड़ताल रखा जाएगा, अनशन रखा जाएगा। जब तक रिपोर्ट लागू नहीं होती है तब तक उठने का यहाँ पे कोई भी प्लान नहीं है इनका, और ये अल्टीमेटम दे दिया गया है, सेक्रेटरी को पत्र पहले ही लिख के भेज दिया गया है। इसी दोस्तों इसी सिलसिले में हम बात करेंगे अभी सुगंधी कुमार मिश्रा जी से। आइए दोस्तों, क्या क्या है उनका कहना, कब आना है, कितने बजे, और दोस्तों क्या क्या कार्यक्रम है उनके बारे में उनसे ही जानते हैं। आइए दोस्तों। हाँ सर, वो 2 तारीख को जो क्रमिक अनशन है उसके बारे में जानकारी दीजिए। 2 तारीख सुबह 9 बजे की पहले पहुंच जाइए जी पार्लियामेंट स्ट्रीट जी। जब तक लागू नहीं होगा वो चलेगा, रेगुलर चलता जाएगा ना रेगुलर। ओके, तो दोस्तों आपने सुना, 2 तारीख को पहुंचना है सुबह 9 बजे के करीब, और ये अनशन तब तक चलेगी जब तक GDS रिपोर्ट लागू नहीं हो जाती है। तो दोस्तों, इस पर हम अपडेट आपको लगातार देते रहेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।